में सर बच्चों को हम लोग मिलते रहते हैं क्लासेस के फॉर्म में, जहाँ जरूरी होता है नोटिफिकेशन या एग्जाम का या जो भी पॉइंट्स रहता है टॉपिक कवर होता है। आज हम लोग आए हुए थे ऑलरेडी एक दो जगह, आज तो दो जगह मीटिंग था गोरखपुर में ही, तो गोरखपुर में तो सारी चीज़ें हो गई और हमने मैसेज दिलवाया था अभी कि गोरखपुर ये गोरखनाथ मंदिर है जहाँ पे हम लोग दर्शन के लिए आए हुए हैं। तो कुछ बच्चे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर के हैं और कुछ बच्चे महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक के, है ना। तो एक एक करके बच्चों से मिलते हैं, क्या नाम है, किस कॉलेज में है, कौन सा ब्रांच है ना, और ऐश्वर्य अकेडमी से कब से जुड़े हैं लगभग, और उसके बाद थोड़ा मंदिर का व्यू लिया जाएगा, फिर हम अपनी चीज़ें बताते हैं। तो आपका नाम एक बार बताइए। मेरा नाम शिवम है। हाँ शिवम। ब्रांच सिविल है। सिविल कॉलेज महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक एमपी। और कब से जुड़े हैं लगभग? एक साल से। तैयारी किए थे? यस सर। बढ़िया पढ़ाई होता है कि बस? यस सर, बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है। और सेमेस्टर की तैयारी कहाँ से कर रहे हैं? चलिए ठीक है, सिविल के लिए ऑल द बेस्ट है भाई। और आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अखिलेश पटेल है, ब्रांच मेरा सिविल है। पॉलिटेक्निक से मैं 2023 में यहाँ से पास किया था। 23 और 24 यानी एक साल बाद हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन यही लगातार लगे थे, अगले साल मिल गया। अगर 23 में ही एडमिशन ले लिए होते आप प्राइवेट में तो पैसा भी लगता, इसलिए हम तो यही कहेंगे जिन बच्चों का नहीं होता है सिलेक्शन नेक्स्ट बार ट्राई कर लें। जो पिछले 3-4 साल का मेहनत होता है हम लोग का, टीचर्स का, वो दिखता है। जब कहीं जाओ, किसी कॉलेज पे जाओ तो बच्चों के रूप में वो दिखता है। ये हमारे जो हार्ड वर्क है, ये हमारे मेहनत है जो यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि एक मैसेज डालने पर बच्चे फटाफट जो नज़दीक थे, जो अवेलेबल थे। कई बच्चे होते हैं क्या, छुट्टी का समय है, दशहरा आ रहा है, दुर्गा जी का पूजा घर करने चले जाते हैं, तो लेकिन जो पढ़ाई अभी कर रहे हैं, अभी नहीं गए हैं, वो लोग मिल रही है और अच्छा भी लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि बच्चों का एक प्यार ये आता है कि सर आप अच्छा काम कर रहे हो, तो एक मोटिवेशन अंदर से मिलता है कि हम लोग को और भी करना चाहिए, और भी आगे फॉरवर्ड होना चाहिए, और भी जितना भी कम कॉस्ट में पढ़ा सके उतना पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बच्चों से पूछिए सर। क्या नाम करिए? बढ़िया। मेरा नाम अंकित भारती है, बिहार से है। बिहार से ना? जी सर। तो यूपी में कैसे आए हैं ये बताओ, बिहार से यूपी में, मतलब कुछ आइडिया मिला होगा कि कैसे पता चला यूपी में जाना है? पिछला बार बिहार में किया था मैंने, बिहार में तो सबसे स्कूल नहीं थे, फिर मैंने आप जगह आपने बहुत बार मतलब किया था कि नहीं यूपी में कुछ बढ़िया कुछ बेस्ट होगा, उससे हमने सोचा कि यूपी से ही जान देते हैं, फिर हमने यूपी से मतलब कि हम तो 23 में बैच लिए हुए थे, 23 से 24 था, पिछला हम कुछ वहाँ पर रैंक बढ़िया नहीं आया था, जैसे अभी लिए तो मेरा बढ़िया अच्छा खाना रैंक भी आया, फिर हमने गोरखपुर कॉलेज भी लिया और आज हमको इलेक्ट्रिकल ब्रांच भी मिला हुआ है। राजकीय पॉलिटेक्निक गोरखपुर में एक ही शिफ्ट चलता है कि दो शिफ्ट है वहाँ? नहीं, एक ही शिफ्ट, एक ही शिफ्ट। तो अभी सेमेस्टर की तैयारी चल रही है बढ़िया? जी सर, फिर हमने सेमेस्टर का भी बैच ले लिया हुआ था, तो 1299 में अभी 1500 सस्ता हो गया है, चलता रहता है ऑफर है अपना, वो अलग मजा है, दुख नहीं है कि सस्ता हो गया, लेकिन उसका मजा हम ले चुके हैं ना, जो अभी ले रहा है उससे पहले हम पढ़ चुके हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हमको हो गया है। देखो यार, ठीक है पैसा है, ठीक है देना ही पड़ेगा, एक कहावत है कि बिना मतलब गुरुदक्षिणा के गुरु से क्या करना, ज्ञान नहीं लेना, कुछ ना कुछ तो दे ही देना, तो जो जो ऑफर में आ रहे हैं वो भी आ जाए, कुछ दे ही रहे हैं, ठीक है पढ़े लिखे आप लोग, आज चांद की मेहनत करें, यही समय है, असली कोई रोकने वाला नहीं, घर का कोई काम नहीं, रूम में हो तो रूम में, हॉस्टल में तो हॉस्टल में पढ़ लेंगे, इनसे पूछते हैं सर। और आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम लोकेश कुमार है, मैं बिहार से। लोकेश, ये भी बिहार से हैं। और कॉलेज और ब्रांच? राजकीय पॉलिटेक्निक गोरखपुर। गोरखपुर। और उसको ब्रांच है मैकेनिकल। मैकेनिकल, कोई नहीं, मैकेनिकल से खुश है ना, मैकेनिकल में भी जॉब ऐसा नहीं है, जैसे हम लोग को ज़्यादातर जो चीज़ें रहती है बता देते हैं पहले से ही, हालांकि बहुत सारे ब्रांचेस और भी हैं, बच्चे उसमें भी एडमिशन ले रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, मैकेनिकल में भी अच्छा जॉब मिलेगा, हुनर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। और आपका कौन सा है ब्रांच? मैकेनिकल। मैकेनिकल, नाम क्या है? करण। करण, आप भी बिहार से हैं कि यूपी से? ये अच्छी बात है कि बिहार से भी बच्चे आके यूपी में पढ़ पा रहे हैं, 2022-23 से पहले उतना नहीं होता था, लेकिन जब से रेशवा अकेडमी आया है पहले ही सारी चीज़ें हम लोग बता देते हैं, अगर ये नहीं आए होते जलजला मच गया है ना, भाई पढ़ लो, नहीं सच बात है, पहले हम लोग खुद नहीं जानते थे कौन सा ब्रांच लेना है, भाई तुम्हें मंदिर का रास्ता पता तभी आ गया, नहीं पता रहता तो कोई बताया होगा पहले। चलिए, कोई बच्चे जुड़े हुए तो इनसे ये जानते हैं कि आपके कॉलेज में तो अपन तो पढ़ रहे हैं,
रिश्वा एकेडमी के और भी स्टूडेंट हैं कि बस आप ही लोग हैं चुरा चुरा के देखते हैं पहले वीडियो चुरा चुरा के देखते हैं कि एक क्लास चला वीडियो को गैप हो ही जाएगा मास्टर नहीं रहता है फिर वो कहकर इस तरह का मतलब किसी को पता नहीं चला अच्छी बात है हम भी यही चाहते थे लगातार बच्चों से हम रियली पूछते हैं कि भाई है कि नहीं सच्चाई आप लोग बताएंगे लगातार चार पाँच साल में 60 में 160 में है इसमें 60 में मतलब 20 बंदे तो हैं ही जो रिश्वा करने से एक 20 बच्चे एक कॉलेज एक ब्रांच है तो उसी तरह तीन चार ब्रांच है बहुत ज़्यादा और 60 में लगभग आधे से अधिक बच्चे हैं और वो जो नहीं बता रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं सारे बच्चे अपने ही हैं वही बात है ठीक है कुछ ना कुछ बच्चा कम से कम लास्ट में आके दो चार वीडियो भी हमारे यहाँ देखा है सवाल नहीं है तो हम अपना ही बच्चा मानेंगे भाई देखिए यहाँ से ज्ञान मिल जाए वो है ना तो इसी तरह देखो जलवा सच में रहता है ऐसा नहीं कि हम वीडियो में अगर बोलते हैं या बच्चे ही बोलते हैं हमने बच्चे खुद ही मैसेज लाते हैं नहीं सर है ये चीज़ें बच्चे हैं एकदम रैंक वन लगातार पाँच साल से रिश्वा एकेडमी के अलावा कहीं नहीं गया है बच्चा 2020, 2021, 2022, 2023 लगातार यूपी बिहार सब जगह और ज़्यादातर देखा गया है तो 8-10 बच्चे छोड़ दिए सर रैंक 1 से 100 तक में इधर उधर एक आध दो कोचिंग और अगर निकल जाते हैं खास बात है कि पेपर मैच कर जाएगा पढ़ाई में का नंबर वन चैनल तुम्ही लोगों ने ठीक है तुम्ही लोग का सपोर्ट रहा तो आगे भी रहेगा ठीक है अब वीडियो पे सर ये रहेगा बच्चे कुछ बोलेंगे कि हमारे कॉलेज पे सर नहीं आए तो देखो कॉलेज पे इनके भी आने का नहीं था हम लोग आ चुके थे फिर सुबह 8 बजे लाइव किए तो बोले कि हाँ आए हुए हैं देखते हैं आजकल में जब होगा तो आएंगे लेकिन अचानक से इधर कॉलेज कैंपस में जरूर है ना बिल्कुल लास्ट में आप समय निकाल दो तुम और क्या कहना चाहेंगे लास्ट में रिश्वा एकेडमी के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे बहुत बढ़िया काम होता है पहले पढ़ाई के लिए तब तक छोड़ेंगे नहीं पहले ही है बिल्कुल चलिए अच्छा मैं लाइक करेंगे चलिए कोई नहीं और बाकी बच्चे जो अपने अलग अलग कॉलेज से हैं है ना मे भी फ्यूचर में आपके कॉलेज के आसपास अगर आएंगे तो जरूर हम आएंगे आपको इन्फॉर्म भी करेंगे बाकी आप अपनी पढ़ाई करते रहिए कोई और हमसे हेल्प चाहिए तो कमेंट्स में पूछिए या हमारे क्लासेस के थ्रू आप स्टडी ले सकते हैं है ना मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ किसी के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।